छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं में सिमरन सब्बा ने टॉप किया है। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। सिमरन के घर इस वक्त खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर इस रिजल्ट ने एक घर की पूरी खुशियों को मातम में बदल दिया है। जी हाँ, जहांगीर चांपा जिले में फेल होने की वजह से एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। मृतक छात्रा निशा मानिकपुरी है और वो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ाई करती थी। कल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद वो दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए थे, जिसमें कक्षा 10वीं में छात्रा सिमरन शब्बा ने 99.50% अंकों के साथ में टॉप किया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। सिमरन ने बताया कि उसने इस स्थान को प्राप्त करने के लिए साल भर पढ़ाई की थी और हर रोज कम से कम 6 घंटे नियमित वो पढ़ाई किया करती थी। योजनाबद्ध पढ़ाई के लिए सभी विषयों के लिए अलग अलग समय तय किया हुआ था। जिस विषय में भी कठिनाई होती थी उसे टीचर्स के साथ में मिलकर वो दूर किया करती थी। सिमरन के पिता शाहिद अंसारी ने बताया कि उन्हें बेटी की मेहनत पर पूरा विश्वास था। जिस समय परीक्षा परिणाम घोषित हुआ वो अपनी दर्जी की दुकान में ही व्यस्त थे। जैसे ही टीवी पर 10वीं टॉपर के रूप में सिमरन का नाम घोषित हुआ तो उन्होंने सभी को बधाई दी और आसपास के लोगों को भी मिठाई खिलाई। इस दौरान आसपास के लोगों ने भी उनके साथ में इस उपलब्धि को बांटा है। सिमरन की मां ने बताया कि सिमरन ने बिना ट्यूशन के ही परीक्षा की तैयारी की थी और ये मुकाम हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर कई छात्र ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या वो फेल हो गए हैं। उनमें से एक छात्रा ने यहां पर सुसाइड कर लिया है, जो कि बहुत ही दुखद भरी खबर सामने आई है।